नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गंभीर रूप से घायल जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन। भाषण के दौरान हमलावर ने पीछे से मारी थी गोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर जताया शोक। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। शिंजो आबे पर हमला करने वाले आरोपी का सामने आया बयान। का पूर्व प्रधानमंत्री से था असंतुष्ट इसलिए की हत्या। एनएससी की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण मामले में नई एफआईआर दर्ज। गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई देश भर में कर रही है छापेमारी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बस और लॉरी के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 10 अन्य बुरी तरह से घायल। 12 जुलाई को झारखंड के देवघर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को लगेगी बूस्टर डोज। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा अगले 5 साल में देश में बैन हो जाएगा पेट्रोल। टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तो शीर्ष अदालत ने रंजन की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। ऑल्ट न्यूज के प्रमुख जुबैर को 5 दिन की सशर्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। अरुणाचल में 130 में से 102 सीटों पर भाजपा का निर्विरोध कब्जा। पंचायत की 14 सीटों पर 12 जुलाई को कराया जाएगा उपचुनाव। शिंदे को सीएम बनाने के खिलाफ 11 जुलाई को होगी सुनवाई। शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। राजस्थान में भू समाधि पर बैठे हिंदू समाज के 51 लोग। का विशेष समुदाय को फायदा पहुंचा रही है गहलोत सरकार। अपने कर्मचारियों पर यूएई सरकार ने दिखाई बड़ी मेहरबानी। बिजनेस शुरू करने के लिए देगा 1 साल की सवैतनिक छुट्टी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी। सीएम बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। अयोध्या में पुलिस चौकी से 500 मीटर दूरी पर हुआ विस्फोट। बम विस्फोट को रात भर सिलेंडर ब्लास्ट बताती रही खाकी। जांच के बाद पुलिस चौकी के बगल में मिला बारूद का जखीरा। पुलिस ने 9 बोरियों में बम बनाने का सामान किया बरामद। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए को किया ढेर, 1 जवान शहीद। एनआईए ने उमेश कोहले की हत्या की साजिश का किया पर्दाफाश। अमरावती में धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना चाहता था एक समूह। काली पोस्टर विवाद पर महुआ मोहित्रा का भाजपा पर हमला। कहा बंगालियों को ना सिखाएं पूजा, वो देवताओं की संरक्षक नहीं। दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान। जिम्मेदारी एजेंसियां सड़कों को साप्ताहिक आधार पर करेंगी रिपेयर। दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान। जिम्मेदार एजेंसियां सड़कों को साप्ताहिक आधार पर करेंगी रिपेयर। बेटी मीसा ने दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तस्वीरें की शेयर। कहा हर मुसीबत से लड़कर बाहर आने की कला लालू जी से सीखे। राहुल ने एम्स पहुंचकर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। डॉक्टर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की हालत को बताया स्थिर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती को किया रद्द। अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा। दलित आंदोलन से जुड़े स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने की तैयारी। बाबा साहेब से जुड़े 2 महत्वपूर्ण स्थलों को किया गया चिन्हित। घरेलू एयरलाइंस को वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। विदेशी उड़ानों के लिए ATF पर नहीं देना होगा उत्पाद शुल्क। कोलकाता देवघर के बीच 12 जुलाई से विमान सेवा शुरू करेगी इंडिगो। DGCA ने 29 जून को कंपनी को प्रदान किया था लाइसेंस। स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए रामबाड़ है व्यायाम। अध्ययन के अनुसार तनाव को कम करके नींद में होगा सुधार। कड़ी सुरक्षा के बीच मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूनो मेला शुरू। 10 जुलाई को देव सैनी एकादशी पर अधिक भीड़ जुटने की संभावना। भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले सांसदों को बुलाया दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के सांसदों की 100% मौजूदगी लक्ष्य। 6 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी। नोएडा पुलिस आयुक्त बोले मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात में मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं करने देगी कांग्रेस। भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ प्रचार मुहिम को केंद्रित करेगी पार्टी। एस जयशंकर ने बाली में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात। विविध चुनौतियों को लेकर बेहतर समझ और खुलेपन के साथ की चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया हरियाली महोत्सव का आगाज। बोले पेरिस लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत ने लगन से किया काम। राजस्थान के 12 शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस उपनिरीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मेलबर्न में ऑफलाइन माध्यम से आयोजित होगा भारतीय फिल्म महोत्सव। दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। जगनमोहन की मां विजयम्मा ने बेटी के लिए छोड़ी YSR कांग्रेस। शर्मिला की पार्टी में शामिल होने के लिए मानद अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पुलिस हिरासत में भेजे गए जासूसी मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक। भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने किया था गिरफ्तार। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए समिति का हुआ गठन। दुष्यंत चौटाला बने अध्यक्ष। जुलाई के अंत तक रिपोर्ट देगी कमेटी। भ्रष्टाचार के आरोप में नोएडा प्राधिकरण के प्रबंधक निलंबित। ग्रेटर नोएडा में किसानों के भूखंड के आवंटन के मामले में हुई कार्रवाई।
सपा के साथ गठबंधन खत्म करने के सवाल पर बोले ओपी राजभर, कहा अब सपा प्रमुख की ओर से तलाक मिलने का इंतजार। झारखंड के मुख्यमंत्री के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पंकज मिश्रा पर हुई कार्रवाई। 303 अंक उछलकर 54,481 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 87 अंक चढ़कर 16,220 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। उद्धव ठाकरे ने की महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग, बोले शिवसेना के पास ही रहेगा चुनाव चिन्ह तीर धनुष। भाजपा में जाने के सवालों पर बोले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, का यदि भाजपा में जाना होगा तो नड्डा से खुलेआम करूंगा मुलाकात। 19 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुआ अंतर्राज्यीय वाहन चोर, संभल एसपी चक्रेश मिश्र बोले नंबर प्लेट बदल कर बेच देते थे वाहन। एशिया कप में 28 अगस्त को पाकिस्तान से होगी भारत की भिड़ंत, विश्व कप की हार का बदला लेने का टीम इंडिया के पास मौका। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में कई खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, कोहली ऋषभ पंत बुमराह और जडेजा की होगी वापसी। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 के दौरान मौजूद रहेंगे जासूस, स्टैंड के भीतर नस्ल भेदी कमेंट करने वालों की करेंगे पहचान। खेल मंत्रालय ने योजनाओं और पुरस्कारों के लिए लॉन्च किया पोर्टल, खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी प्राप्त कर सकेंगे पुरस्कार और बकाया राशि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।